गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़े थे, आज हम लोग एम्फीबियंस के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल्स डैट लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस। फ्रॉग, टोड, न्यूट एंड सलामंदर आर एम्फीबियंस। दे बिगिन देयर लिव्स इन वाटर बट एज एडल्ट्स लिव मेनली ऑन लैंड। लेट अस सी How a frog is adapted to live in these two different kinds of habitats. Land और water दोनों पर रहने वाले animals को amphibians कहा जाता है। Frog, toad, newt और salamander amphibians वे पानी में अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन वयस्क लोग तो मुख्यतः जमीन पर ही रहते हैं। इन दो भिन्न प्रकार के आवासों में रहने के लिए फ्रॉग की आकृति कैसे अनुकूलित होती है। फर्स्ट पॉइंट, ए फ्रॉग कैन ब्रीथ थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर एंड विथ इट्स लंग्स ऑन लैंड। एक मेंढक पानी में अपनी नम त्वचा के माध्यम से और जमीन पर अपनी फेफड़ों के साथ सांस ले सकता है। सेकेंड पॉइंट, इट हैज लॉन्ग हिंड लेग्स डैट हेल्प इट हॉप ऑन लैंड एंड वेव्ड फीट डैट हेल्प इट टू स्विम इन वाटर। इसकी लंबी हिंड लेग्स होती है जो भूमि और जाल वाले पांव पर कूदकर वाटर में तैरने में हेल्प करती है। थर्ड, इट हैज ए लॉन्ग टंग That helps it catch flying insects. इसकी एक लंबी जबान है जो उड़ान कीड़े पकड़ने में हेल्प करती है। चौथा पॉइंट, its color matches its habitats so its predator or prey cannot see it. टीएस रंग इसके आवाज से मेल खाता है ताकि इसका शिकार या तो उसे देख ही न सके। अगला पॉइंट है आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज। दे फाइंड देयर फूड, हैव यंग वंस एंड स्लीप और रेस्ट ऑन ट्रीज। दे हैव क्लॉज और पैड्स ऑन देयर फीट डैट हेल्प देम ग्रीप The branches firmly as they move, or when asleep, their broad hips help them carry their body weight. Monkey, squirrel, etc. Arboreal animals पेड़ों पर रहते हैं। वे अपने फूड बच्चों और सोने या पेड़ों पर आराम पाते हैं। इनके पंजे या पैड्स होते हैं जिनसे टहनियों को चलाते समय या सोते समय पकड़ने में हेल्प मिलती है। इनकी कंधे शरीर का वजन उठाने में हेल्प करते हैं। मंकी, स्क्वायरल, इटीसी। थैंक यू।